क्या सचिन नेत्रपाल और सीमा के खिलाफ भारत में कोई प्रक्रिया की जा सकती है? और वो सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग वो शत्रु है, शत्रु देश का है, वो नहीं की जा सकती, ऐसा लोगों को कह के गुमराह किया जा रहा है और लोगों को कानूनी जो डेफिनेशन है उससे वंचित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कानून हमारा क्या कहता है और क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, हमारा भारत संविधान से चलता है और संविधान जो हमारा भारत है वो संविधान से चलता है। संविधान की का आर्टिकल, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आर्टिकल 21 कहता है, द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ दिस ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एंड एस्टेब्लिश बाय लॉ। द फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, सिटीजन एंड फॉर अलाइक। मतलब आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का ये कहता है कि भारत के लोगों की जिंदगी, उनकी आजादी और उनकी पर्सनल चीजों को प्रोटेक्ट करती है आर्टिकल 21 और उनको प्रोटेक्शन का राइट देता है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको भी आर्टिकल 21 में लाइफ एंड लिबर्टी का और पर्सनल चीजों के हक अधिकार का पूरा पूरा अधिकार आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी देखने वाले लोग हैं या मुझे सुनने वाले लोग हैं, वो अपने गूगल पे आर्टिकल 21 को लिखें और उसको पढ़ सकते हैं कि क्या विदेशियों को भी ऐसा राइट है। हाँ, विदेशियों को भी अपने हक अधिकार का, लाइफ एंड लिबर्टी का, पर्सनल चीजों के प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल 21 में राइट दिया हुआ है। अब बात आती है कि भाई क्या कहती है कि भाई सचिन के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और सीमा के खिलाफ सीपीसी में कोई मुकदमा नहीं बनता और ये नहीं चलेगा। अरे भाई, आप वकील हो, इतने बड़े ज्ञाता हो, इतना आपका मीडिया में या आपका आपने सुर्खियां बटोरी है, आपको ये तो पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए और मैं देश की जनता को भी बताना चाहता हूं और जो हमारे देश की बाहर से लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूं कि दो तरह का कानूनी प्रक्रियाएं होती है, दो तरह की कानूनी प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती है। एक क्रिमिनल प्रक्रिया, क्रिमिनल लीगल स्टेप, कि हमने अगर कोई क्राइम करता है, कोई जुल्म करता है तो उसमें हमने क्या करना है। एक होता है सिविल राइट्स, कि अगर किसी इंसान का कोई सिविल राइट्स मारा जाता है तो उसमें क्या प्रोविजन है, तो उनको किया कैसे जाएगा। तो जो हमारे सिविल राइट्स हैं वो हमारे सीपीसी में लाई करते हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटी का मामला है वो सीआरपीसी में लाई करते हैं। अब हमारे काबिल दोस्त वकील साहब को इतना भी नहीं मालूम कि 156(3) वो सीपीसी में नहीं आती, 156(3) एक सीआरपीसी की सेक्शन है, 156 सेक्शन, उसकी सबसेक्शन 3, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट को यह राइट दिया गया सीआरपीसी के अंदर कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है और उस क्रिमिनल एक्टिविटी की कंप्लेंट कंसर्न्ड पुलिस अधिकारी को दी जाती है और कंसर्न्ड पुलिस अधिकारी उस कंप्लेंट पर एक किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है, कोई उस पे कानूनी स्टेप नहीं लेता है, तो ये हर उस शिकायतकर्ता को राइट है, चाहे वो विदेशी है, चाहे वो देश का है, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति है, उसको राइट है क्रिमिनल सीआरपीसी के अंदर 156(3) में कि वो इलाका मजिस्ट्रेट को
और जाकर के या इलाका मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसकी जगह जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसको जाकर के 156(3) में वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि जनाब मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है, मेरे साथ ये जुर्म हुआ है और ये इन इन धाराओं के तहत, इन इन दफाओं के तहत, इन इन सेक्शंस के तहत ये अपराध हुआ है और मैं विक्टिम हूं और मैं शिकायत करता हूं, मैंने थाने को फला फला तारीख को दरखास्त दी थी जिसके सबूत वो लगाएगा, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई पुलिस अधिकारियों ने आज तक नहीं की है। तो जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वो उस कंप्लेंट को देखता है और उस पे लगाई गई सेक्शंस को देखता है और जो उसमें लिखा गया है कंप्लेंट के अंदर उनको देखता है और उनको देखने के बाद मजिस्ट्रेट को 156(3) में यह पावर है कि वो किसी भी उस थाने को जहां कंप्लेंट दी गई है जो उसके क्षेत्राधिकार में उस उन मजिस्ट्रेट साहब की ज्यूरिडिक्शन में आता है उनको आदेश देकर एफआईआर दर्ज करा सकता है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो बिना एफआईआर के दर्ज नहीं, बिना एफआईआर किए इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। एफआईआर होने के बाद केस की इन्वेस्टिगेशन होती है और जिनके खिलाफ एफआईआर होती है वो लोग उसमें अरेस्ट होते हैं। ये है सीआरपीसी। अब जनाब कह रहे हैं कि जी वो तो मैंने, वो तो उनको राइट ही नहीं है 83 CPC में। अरे भाई ये 83 CPC में लाइन नहीं होता, ये आप वकील साहब हो आपको इस बात का पता होना चाहिए। हमारे देश का छोटा छोटा बच्चा जो कानून पढ़ता है, जो पहली ABCD पढ़ता है, लॉ कॉलेज में जाता है, उसको भी इस बात का पता है कि 156(3) सीआरपीसी में कवर होता है क्रिमिनल एक्टिविटी और मजिस्ट्रेट को आदेश देने का जो राइट दिया गया ये सीपीसी में नहीं होता। ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अब एक बात का और ये भ्रम फैलाया गया, ये अफवाह फैलाई गई कि भाई जेवर कोर्ट ने गुलाम हैदर की पटिशन को डिसमिस कर दिया। जेवर कोर्ट ने गुलाम हैदर की किसी भी एप्लीकेशन को, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है वो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी इंसान उसको देख सकता है और मैं सार्वजनिक मीडिया पे भी उसको दिखा दूंगा कि जेवर कोर्ट ने गुलाम हैदर की किसी भी सिविल केस को जो हमने सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत 1963 के तहत जो हमने डाला था वो डिसमिस नहीं हुआ है, बल्कि मजिस्ट्रेट साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि इस पिटीशन के अंदर आपने मैरिज को चैलेंज किया है और चूंकि फैमिली कोर्ट को आजकल राइट दे दिया गया है और ये चीज जो है वो आप वहां पर लेके जाइए, और पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने मुझे दी गई है तो मुझे राइट है। मेरे अलावा हर उस समाज के, भारत के उस व्यक्ति को राइट है अगर वो सीमा हैदर के को किसी प्रकार भारतीय कानून की अवहेलना करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से या अपनी आंखों से देखता है, महसूस करता है, तो भारत के हर उस बालिक व्यक्ति को जो के दिमाग से पैदल नहीं है, दिमाग से बिल्कुल ठीक है, अनसाउंड माइंड नहीं है और वो पूरी तरीके से परिपक्व है, वो कोई भी व्यक्ति सीमा के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है या सीमा के अलावा किसी भी विदेशी व्यक्ति के खिलाफ वो लीगल एक्शन ले सकता है। और मैं तो एडवोकेट हूं, मुझे तो उन्होंने राइट दिया हुआ है, मुझे बिना राइट दिए भी अगर सीमा भारतीय कानून की कोई अवहेलना करती है तो मुझे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा एक भारतीय होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है। अब सवाल आता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ये सीमा हैदर तो खुद के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है रघुपुरा थाने के अंदर जो कि जांच चल रही है और मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा है कि आप जल्द से जल्द जांच को पूरा करिए ताकि जल्दी से जल्दी इस सीमा के खिलाफ चार्जशीट होने के बाद चार्ज लगवाया जा सके और इसको गवाहियां दिला करके फटाफट इसको जेल की सजा कराई जा सके। सीमा नेत्रपाल और सचिन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना बनती तो ऑनरेबल कोर्ट आर्गुमेंट सुनने के बाद SHO चेवर को नोटिस जारी क्यों करता? कानून में प्रोविजन है तभी तो किया है। और हमने सीआरपीसी के अंदर जाना ये चीज कही है, एक मकान 2 साल पहले
सीमा हैदर को लेके दिया जिसमें वो रह रही थी। उसी 18 लाख के मकान को दो साल होने के बाद आनन फानन में 12 लाख रुपए का बेच के वो यहां पर इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कर गई, 12 लाख रुपए का बेच के। और वो जो गया था सऊदी अरब के अंदर, वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छा उनको कमाई हो ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छा लालन पोषण उनका हो सके, और सीमा ने उनको खुद भेजा था जैसा कि गुलाम हैदर ने बताया। तो वहां से वो लगातार पैसे उनको भेज रहा था, जो कि सीमा हैदर उनसे वो पैसे ले रही थी, वो पैसे भी ले रही थी साथ साथ जो है वो मकान को भी 12 लाख का बेच के आ गई। तो एक ऐसा पिता, एक ऐसा मजबूर इंसान, हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि वो पाकिस्तान का है कहाँ का है, वो चाहे अफगानिस्तान का होता है, वो नेपाल का होता है, या ऑस्ट्रेलिया का होता, वो इंसान कहीं का भी होता, एक पिता है, एक मजबूर पिता है, और वो ऐसा पिता है जिसने भारतीयों को हाथ जोड़ करके पुकारा है, हम भारतीयों को पुकारा है, हमारे भारत की माँ को पुकारा है, हमारे भारत की बहनों को पुकारा है, हमारे भारत की बेटियों को पुकारा है, हमारे भारत की माँ को पुकार करके ये रोज वो वीडियो में कहता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत की माओ से, भारत की बेटियों से, भारत की बहनों से कि वो मुझे इंसाफ दिलाए, और वो भारत के लोगों से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है। तो जो इंसान भारतीय लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेगा, तो हर भारतीय, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो वकील है, चाहे आम इंसान है, वो हर इंसान उस मजबूर बाप की, उस मजबूर पिता की जरूर मदद करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हरासमेंट किसका हुआ, हरासमेंट तो उस बाप का हुआ है ना, जिसके बच्चे आपने जो है उससे जुदा कर दिए, जिसका घर आपने बेच दिया, जिसकी पूरी हस्ती खेलती खेलती फैमिली को आपने बिगाड़ दिया, तो हरासमेंट तो वो हो रहा है। आप कहां के हरासमेंट हो रहे हैं, आप तो डेली वीडियो बना बना के रोज नाचते हैं, रोज उस पर डांस करते हैं, रोज जो है ना उस डांस करने से रोज आपको बड़ी मोटी मोटी कमाई हो रही है, तो आप हरास कर रहे हैं, रोज आप हंस रहे हैं, रोज आप जो है ना डांस कर रहे हैं, तो इसमें हरासमेंट तो कहीं नहीं दिखी, कानूनी कार्रवाई तो आपके खिलाफ होगी, चाहे आप हरासमेंट हो चाहे जो मर्जी हो। फिर कहते हैं जी थ्रेट्स दी जा रही है, अरे भाई थ्रेट्स अगर देनी होती किसने थ्रेट्स दी है, थ्रेट्स कौन देगा, एक वकील का काम है कानूनी कार्रवाई करना, और वो हम कर रहे हैं। किसी भी भारतीय ने आज तक सीमा हैदर को और सचिन को और नेत्रपाल को कोई थ्रेट्स किसी प्रकार की नहीं दी है, और ये तो वो वाला काम है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब कुछ ना मिला तो थ्रेट्स दे रहे हैं जी हरासमेंट, हरासमेंट के काम आपने क्यों किए जो आप हरासमेंट हो रहे हो, उसके अलावा कहते हैं जी उनकी जान को खतरा है। तो सीमा, नेत्रपाल और सचिन की जान को खतरा है तो वो आपसे ही खतरा है, ना हमसे खतरा है, ना गुलाम हैदर से खतरा है, और ना भारत के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से सीमा को किसी प्रकार का खतरा है। हाँ सामाजिक विरोध उसका किया जा सकता है, सामाजिक विरोध उसका किया भी जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, वो अलग बात है, और लीगल कार्रवाई की जा रही है, अब भी की जा रही है, वो आगे भी की जाएगी, वो अलग बात है। खतरा तो सीमा हैदर से उन बच्चों का है, क्योंकि हमने एक वीडियो में देखा था सीमा हैदर कह रही थी कि मैं खुद भी मर जाऊंगी और अपने बच्चों को भी मार दूंगी, तो खतरा तो लाइफ एंड लिबर्टी का उन बच्चों को सीमा हैदर से है, सचिन से है, नेत्रपाल के परिवार से है। तो ऐसे बच्चों को आप जो ना जबरदस्ती ब्रेन वॉश करके, लोभ लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हो, तो ये आपके खिलाफ जल्द ही बहुत बड़ी कार्रवाई हम करेंगे कि आप ऐसा कर रहे हो। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं कि आप मर्यादा में रह करके सामाजिक रूप से आपका जैसा आप विरोध कर रहे हैं आप सामाजिक रूप से विरोध करिए। अगर आपको जरा से भी कोई आंच आती है तो ये आपका भाई मोमिन मलिक सामने खड़ा मिलेगा। सामाजिक रूप से हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, वो उसका विरोध कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो इलीगल तरीके से भारत में एंट्री किया है और भारत के कानून की को धजिया उड़ा रहा है, ये तो रही बात उसकी। अब आ जाइए पुलिस प्रशासन पर। पुलिस प्रशासन क्या
सीमा हैदर आपकी रिश्तेदार लगती है। पुलिस प्रशासन में ये कहना चाहूंगा, क्या संबंध है आपका सीमा हैदर के खिलाफ? आपकी कोई रिश्तेदार है, आपकी कोई चीफ गेस्ट है, या आपको आपने उसको भारत में बुलाने पे कोई सहयोग किया है? ये मेरे कुछ सवाल है आपसे, क्या आपने भारत की सीमाओं में बुलाने पर उसको सहयोग किया है?